Family can go beyond blood relations. It is a term used for a group of people bound by love, care, companionship, sharing, happiness and joy. We all spend 8 hours of our day, 6 days a week with our colleagues or teammates. We tend to share our feelings, thoughts or even frustration with each other. This exchange of thoughts, sharing and caring for each other is what makes the office a home away from home. We, the MIT School of Distance Education family, wish you and your family a very happy, healthy, joyous and prosperous Diwali. Happy Diwali! दिवाळीच्या निमित्ताने आपण एक खेळ खेळूया. रॅपिड फायर का काय म्हणायचं, पटापट उत्तर खेळूया. दिग्विजय, तुला काय वाटत, ओंकार हा जर फराळ असता तर कुठला पदार्थ असता? बेसनाचा लाडू का? फार गोड आहे. उमेश सर, तुम्हाला काय वाटत, ह्याच्यापैकी असणार एखादा फटाका असते तर ती कुठला फटाका असते? प्रिया, मैं पर्सनल बोल सकती हूँ दैट हैविंग माय मॅम मॉम विथ मी एंड माय फॅमिली टुगेदर एंड स्वीट्स. दिग्विजय, फटाका असता तर तो कुठला फटाका असता? उसकी बॉम्ब. कोई फराळ होता, आई होप यू अंडरस्टँड फराळ, तो वो कौन सा फराळ होता और क्यों? निक्की मॅम लड्डू सारखी. इफ यू गेट अ चांस टू क्रिएट एनी हॉलिडे, ओके, कोई भी हॉलिडे, कुछ भी हो सकता है, तो व्हाट विल द हॉलिडे बी और वो लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सिंगल लोगों के लिए वैलेंटाइन डे, तो अच्छे से लव्ड वंस के साथ उनके सेलिब्रेट करें और प्राइवेसी में. वाह, डू यू नो एनी अनयूजुअल और अननोन फैक्ट अबाउट दिवाली व्हिच यू वांट टू शेयर? इसमें क्या होता है ना, हम लोग दिवाली जब सेलिब्रेट करते हैं तो यूजुअली हमें पता है कि दिवाली में श्री राम आए थे, भगवान श्री राम आए थे, फिर उनका जो विक्ट्री था वो हमने सेलिब्रेट किया. उससे पहले भी एक चीज़ हुई थी जो अशोक, मतलब राजा अशोक थे, सम्राट अशोक. सो व्हेन ही रियलाइज कि भाई ये जो युद्ध हुआ, कलिंगा का युद्ध हुआ था और उसमें बहुत सारा खून बहा था, तो आफ्टर दैट उनको रियलाइज़ हुआ यार ये सब स्टॉप कर देना चाहिए. तो वो जो रियलाइजेशन के लिए था, उसके लिए दिवाली जो है ना, मतलब लोगों का एनलाइटमेंट हुआ, तो उसमें भी एक रीज़न है कि वो भी दिवाली ही सेलिब्रेट करते थे वो टाइम पे. तो ये फैक्ट मुझे पता चला. ओके, ग्रेट. अननोन फैक्ट, लाइक मेरा नाम शाहरुख खान, मुस्लिम हूँ, बट अभी तक मेरी मम्मी, मैं, सब लोग ये फॉलो करते हैं कि जब दिवाली रहती है तो हम भी घर की साफ़ सफाई करते हैं, हम भी बाहर दिया लगाते हैं. और एक चीज़ है कि आप जब भी देखो फटाखा बजता है, कुछ भी बजता है या लाइट आता है, तो एक घर में अलग रौनक आती है उसके वजह से. वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट डू यू फील अबाउट योर MITSD फैमिली. हैप्पीनेस. हैप्पीनेस, वेरी मच एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक फैमिली. सेकंड होम. फ्यूचर. वेरी फ्रेंडली. वेरी सपोर्टिव. पैसे कमाने की मशीन. ATM. तो अभी हम सेकंड गेम खेलेंगे. निकिता एंड जगन्नाथ. ये जो है ना, जो यहाँ पे मुझे पिक्चर दिखाया गया है, राइट,
इट इज डेडिकेटेड टू किरणजीत राइट कौन है वो चक्री हमेशा घूमता रहता बैठता नहीं एक ही जगह पे बैठ जाता है वो आप सब लोगों को पता है करेक्ट यस ये तो मैं खुद हूँ पटाखा तो करेक्ट है कौन सा तो मैं खुद हूँ कौन सा एटम बम बहुत सारे लोग हैं ऐसे एक दो लोगों को बुलाना हमारे लिए ठीक है ना मुश्किल बात है लेकिन कोशिश करेंगे एक राजन जी आइए और एक हरीश बाबू राठौड़ आइए तो ये ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे अभी भी हैं राइट बट शुरुआत पॉपुलैरिटी के साथ ही इन्होंने किए पहले ही मूवी हिट दिया था आंखों के सामने लावण्या किधर है आ गया दोस्त तुमने गेस किया रे बम तो गेस किया उसने लेकिन कौन सा बम एटॉमिक न्यूक्लियर एटम बम सही गेस किया ठीक है सपने What do you feel about celebrating Diwali with your SD family? SD is a like my family because we are spending at least 8 to 9 hours with SD colleagues and I think that time is greater than the time we spend with family. Which para do you think name of the person in your team resembles? I will name as Chakli as Sneha Chaugule. I have heard lots of calls at the time when she is communicate with the students. Okay, so she is Chakli. What is the most memorable Diwali for you? So most memorable Diwali for me means we are celebrating the first Diwali day with Mamata Bal Sadan Sindhutai Sabkal Bal Ashram. So वहाँ पे जाके हम वो बच्चों से इतना ज़्यादा हम खेलते हैं वहाँ पे हमें दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो सारा दुख जो है वो हम भूल जाते हैं वो सब व्हाट फॉर यू इज द स्पिरिट ऑफ दिवाली स्पिरिट ऑफ दिवाली इज लाइक इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जॉय टू सेलिब्रेट विद ईच एंड एवरी पर्सन विद योर रिलेटिव विद योर फ्रेंड्स विद योर कलीग्स एंड टू कम क्लोजर ईच अदर एंड टू बिलीव टू बिल्ड अप अ ट्रस्ट विद ईच अदर इफ यू कुड क्रिएट अ न्यू हॉलीडे What would be and how would people celebrate it? My basic thing is like we have to love our earth. तो मैं मतलब ये सोचता हूँ कि एक अर्थ डे होना चाहिए उस दिन में मतलब हम लोग सबने मतलब जितने हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए या फिर जितने पेड़ है उनको सही से रखना चाहिए और उस दिन मतलब वो हॉलीडे होना चाहिए नेशनल हॉलीडे होना चाहिए स्वप्नातले रंग नवे आकाश आपले असंख्य दिवे